हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक जानी अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व यानी कीमत उपभोग रेखा और इनकम कंजम्पशन कर्व यानी कि आय उपभोग रेखा के बारे में। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि जब हम प्राइस कंजम्पशन कर्व और इनकम कंजम्पशन कर्व की बात करेंगे तो यहाँ इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का बहुत उपयोग होगा और उसी से पीसीसी और आईसीसी रेखाएँ डिराइव होंगी। तो अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को लेके, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, पहले जाकर के आप उन वीडियोस को देख लीजिए। दोस्तों, मैं चाहता था कि इसी वीडियो में आपको इनकम कंजम्पशन कर्व के बारे में भी बताऊं, पर वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इनकम कंजम्पशन कर्व या आय उपभोग वक्र के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व के बारे में। तो चलिए पहले देखते हैं पीसीसी कर्व क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि पीसीसी रेखा बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व से ही निकलती है। यहाँ होता क्या है कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो व्यक्ति का बजट लाइन भी परिवर्तित होता है, जिससे व्यक्ति के अधिमान में भी परिवर्तन हो जाता है। उसके द्वारा वस्तुओं के चॉइस ऑफ प्रिफ्रेंस में भी बदलाव आता है और वह नए बजट लाइन और उदासीनता वक्र में संतुलन में चला जाता है, और इन्हीं संतुलन बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा पीसीसी या प्राइस कंजम्पशन कर्व या कीमत उपभोग रेखा कहलाती है। तो इस प्रकार हम प्राइस कंजम्पशन कर्व को परिभाषित करते हुए यह कह सकते हैं कि कीमत उपभोग रेखा वस्तुओं की उन अलग अलग मात्राओं को बतलाता है जो व्यक्ति कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप खरीदता है। अब सवाल उठता है कि क्या कीमत उपभोग रेखा कीमत प्रभाव को बतलाती है? तो इसका जवाब है हाँ। यहाँ कीमत प्रभाव का मतलब उस समस्त प्रभाव से है जो वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन से उपभोक्ता के क्रय मात्रा पर पड़ता है। कीमत प्रभाव की वजह से दो और प्रभाव पैदा होते हैं, पहला है आय प्रभाव और दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। चलिए अब देखते हैं पीसीसी का शेप किस प्रकार का हो सकता है। यहाँ यह रेड लाइन पीसीसी को बतलाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ए से डी नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे समझने के लिए हम इस ऑरेंज बजट लाइन पर नज़र डालते हैं। यहाँ बजट लाइन हमें यह बतलाता है कि उपभोक्ता के पास जो पैसा दिया हुआ है उसे यदि वह केवल एक्स पर खर्च करे तो इतना एक्स खरीद सकता है, और केवल वाई पर खर्च करे तो इतना वाई खरीद सकता है। इस प्रकार बजट लाइन से हमें यह पता चलता है कि एक्स अपेक्षाकृत महंगी है वाई वस्तु से, क्योंकि वह एक्स वस्तु की कम मात्रा ही खरीद पा रहा था जब वह सारा पैसा एक्स वस्तु पर खर्च कर रहा था। तो अब हम ए बिंदु पर नजर डालते हैं। यहाँ यह इंडिफरेंस कर्व इस बजट लाइन को टच करती है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता शुरू में वाई वस्तु की इतनी मात्रा और एक्स वस्तु की इतनी मात्रा खरीद रहा था। अब यदि एक्स वस्तु की कीमत पहले से घट जाए, दूसरे शब्दों में कहें तो एक्स वस्तु सस्ती हो जाए, ध्यान रहे कि वाई वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए उपभोक्ता उस दी हुई आय से वाई की पहले जितनी ही मात्रा खरीद पाएगा, लेकिन अब वह उस पहले जितनी ही रकम से एक्स वस्तु की पहले से ज़्यादा मात्रा खरीद पाएगा, यानी उसका बजट लाइन अब यह ब्लू लाइन होगा। क्योंकि एक्स वस्तु पहले से सस्ती हो गई है, इसलिए वह एक्स वस्तु की पहले से ज़्यादा मात्रा खरीदेगा। इस बार उपभोक्ता का संतुलन इस बी बिंदु पर होगा, जहां पर IC2 इंडिफरेंस कर्व इस ब्लू बजट लाइन को GI को टच कर रहा है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता वाई की इतनी मात्रा का उपभोग कर रहा है जो कि पहले से कम है, और एक्स वस्तु की इतनी मात्रा का उपभोग कर रहा है जो पहले से ज़्यादा है। इस प्रकार यदि एक्स वस्तु की कीमत में और भी कमी हो जाए तो उपभोक्ता का बजट लाइन GI से खिसक कर GJ और GK हो जाएगा, और उपभोक्ता का संतुलन भी B से खिसक कर C और फिर D हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे एक्स की कीमत में कमी होती है, उपभोक्ता एक्स की अधिक मात्रा का उपभोग करता चला जाता है और वाई वस्तु की मात्रा का कम उपभोग करता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति वाई वस्तु को एक्स वस्तु से प्रतिस्थापित कर रहा है। अब यदि ए बी सी और डी संतुलन बिंदुओं को
एक रेखा से मिला दिया जाए तो हमें एक पीसीसी रेखा मिलेगी जो कि नीचे गिरती हुई दिखाई पड़ रही है, या तो कीमत उपभोग रेखा की एक स्थिति हुई। जब पीसीसी या प्राइस कंजम्पशन कर्व ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा तो इसका क्या मतलब होगा, चलिए देखते हैं। इसका मतलब होगा कि जब एक्स वस्तु सस्ती होगी तो वस्तु एक्स की मात्रा तो बढ़ेगी ही, साथ में वस्तु वाई की उपभोग मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी, तब हमें कुछ इस प्रकार का पीसीसी प्राप्त होगा। अब यदि पीसीसी रेखा की आकृति इस प्रकार हो तो इसका मतलब है कि जब एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो रही है जिससे एक्स की उपभोग मात्रा में वृद्धि हो रही है पर वाई वस्तु की उपभोग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप इस तरह के पीसीसी को देखकर या अनुमान लगा सकते हैं कि वाई वस्तु कोई नेसेसिटी वाली या जरूरी वस्तु होगी, जैसे दवा या नमक, जिसकी उपभोग मात्रा को घटाया नहीं जा सकता। हमें इस पीसीसी से एक और अंदाजा मिलता है कि वाई भले ही कोई नेसेसिटी की वस्तु हो या ना हो, पर निश्चित तौर पर यह एक ऐसी वस्तु है जिसका एक्स वस्तु से प्रतिस्थापन संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि पीसीसी का शेप वाई एक्सिस के पैरेलल होता तो इसका मतलब होता कि यहाँ एमआरएस वाई एक्स इज इक्वल जीरो है। अब पीसीसी की एक खास स्थिति इस प्रकार की हो सकती है, पीछे की ओर मुड़ा हुआ कीमत उपभोग वक्र। इस खास प्रकार के पीसीसी का मतलब है कि यहाँ एक्स वस्तु गिफेन प्रकृति की है। सर रॉबर्ट गिफेन एक सांख्यिकीविद और अर्थशास्त्री हुआ करते थे। उन्होंने ब्रिटेन में एक शोध के दरमियान यह पाया कि कीमत के बढ़ने पर एक खास परिस्थिति में जिस वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई थी उसका उपभोग लोग और भी बढ़ा देते हैं और कीमत घटने पर उस वस्तु का उपभोग घटा देते हैं। जैसा कि हमें इस डायग्राम से पता चलता है कि जब वस्तु एक्स की कीमत में कमी होती है तो बजट रेखा ए बी से खिसक कर ए बी डैश हो जाती है। अब उपभोक्ता चाहे तो एक्स की अधिक मात्रा का उपभोग कर सकता है, पर यहाँ एक्स वस्तु की कीमत घटने के बावजूद उपभोक्ता वस्तु एक्स की उपभोग मात्रा पहले से घटा देता है और IC2 के ई डैश बिंदु पर संतुलन में चला जाता है। अब जब संतुलन बिंदु ई और ई डैश को मिला दिया जाए तो हमें पीछे की ओर मुड़ा हुआ एक पीसीसी प्राप्त होता है जो बतलाता है कि एक्स वस्तु की कीमत घटने पर भी उपभोक्ता एक्स की मात्रा को कम उपभोग करने लगता है, जो कि मांग के सिद्धांत के उलट है। दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि गिफेन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में अंतर होता है, ये दोनों एक नहीं होते हैं। मैं इस पर भी वीडियो जल्द बनाऊंगा और इन दोनों के बीच अंतर पर चर्चा करूंगा। चलिए अब जानते हैं कि सामान्य स्थिति में पीसीसी की आकृति किस प्रकार की होती है। तो पीसीसी सामान्यतः इस प्रकार की आकृति का होता है, ना ही नीचे की ओर झुका हुआ और ना ही ऊपर चढ़ता हुआ, ना ही एक्स या वाई एक्सिस के समानांतर और ना ही पीछे की ओर मुड़ा हुआ। असल में पीसीसी कुछ इस प्रकार का होता है, पीसीसी कुछ कीमत स्तर पर नीचे की ओर झुका हुआ होता है, कुछ कीमत स्तर पर अक्ष के समानांतर होता है, कुछ कीमत स्तर पर ऊपर चढ़ता हुआ होता है और कुछ कीमत स्तर पर पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आईसीसी या इनकम कंजम्पशन कर्व या आय उपभोग वक्र पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कुछ मदद जरूर मिली होगी आपको कीमत उपभोग वक्र को समझने में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।